बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम हमारी विमेंस विंग की जो ख्वातीन हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज की इस तकरीब का एहतमाम करने के लिए, और बड़ी तादाद ख्वातीन को दे ये नज़र आ रहा है कि मेहनत करती रही है विमेंस कराची के अंदर, और उसके असरात हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 15 तारीख, अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया उसमें, अगर ये फिर दोबारा भाग नहीं गए, क्योंकि ये बार बार हर इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो कोई वईद नहीं कि दोबारा से ये भागने की कोशिश करें। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जितना प्रेशर बिल्ड कर दिया गया है तो ये इलेक्शन इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में हो जाएंगे, और आपकी उस दिन विमेंस विंग की जो शमूलियत है इसके अंदर, इसके अंदर जो कारकर्दगी है, मेरी राय के मुताबिक वो एक सिर्फ अहम नहीं बल्कि कलीदी किरदार अदा कर सकती है उस इलेक्शन के अंदर। और ये इलेक्शन कितना ज़रूरी है तमाम खवातीन जानती हैं। जो मसाइल हमें शहर के अंदर जिनका सामना करना पड़ता है, उन मसाइल में वो जो भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो जाहिर है सिर्फ मर्दों को नहीं करना पड़ता, ख्वातीन को भी उन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये सब कराची के शहरियों के लिए ज़रूरी है कि हम 15 तारीख को एक ऐसा फैसला देखें जिसके नतीजे में जिम्मेदारी शहर की उन लोगों के पास आए जो नियत भी रखते हों, हौसला भी रखते हों, सलाहियत भी रखते हों, और सो सिर्फ आपको ये ना बताएं कि वो क्यों काम नहीं कर सकते। क्योंकि इस शहर में हमने पिछले 30 साल से यही देखा है कि जो वोट कराची के नाम पर लेकर जाते हैं वो कराची के नाम पर वोट तो ले जाते हैं, और उसमें से बहुत सारे इनफरादी लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर भी हो गई, और हमने देखा कि उनकी जिंदगियों के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई। लोगों के सफर जो शुरू हुए थे होंडा 50 से, वो पजेरो तक पहुंच गए। लेकिन कराची का शहर जो है वो 30 साल पहले जहां पर था उससे भी ज्यादा खराब हालात आजकल हमें शहर में देखने को नजर आते हैं। तो इसलिए वोट उनको नहीं देना है जो आपको सिर्फ उसके बाद ये आकर बताएंगे कि वो काम क्यों नहीं कर सके। जो सूबे के अंदर इकतदार में बैठे हुए हैं वो शहर के बारे में क्या जान समझते हैं, वो सब जानते हैं। वो शहर जो सूबे का 90% का रेवेन्यू देता है, वो उस सूबे के रेवेन्यू के 10% भी वापस उस शहर को नहीं मिलता। इस शहर की टूटी हुई सड़कें, इसका ना होने वाला पानी का निजाम, या वाटर टैंकर माफिया का राज, यहाँ के सरकारी स्कूलों के हालात, सरकारी अस्पतालों के हालात, सब इस बात की गवाही देते हैं कि वो पार्टी जो इस सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत बना चुकी है, उसका कराची के लिए ना उनको कराची से वोट मिलता है और ना उनके उनकी नियत है कराची के लिए कुछ करने के लिए। दूसरी पार्टी जो है वो आपस में तितर बितर हो गए, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहे। आजकल बल्ले के खौफ से साथ उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है। मैं बार बार ये कहता हूं, हमें तो सियासी खौफ कुछ भी नहीं है, सिफर जमा सिफर जमा सिफर सिफर ही रहता है। वोट इस शहर के अंदर बल्ले का है, वोट इस शहर के अंदर इमरान खान का है, उसके अलावा किसी का वोट नहीं है। तो ये लोग मिल जाएं साथ तो अच्छा है, तीन तीन का अलग शिकार करने के बजाय एक साथ ही शिकार करेंगे। क्यों जी, महमूद भाई तैयार हैं? महमूद भाई तो अभी कर चुके हैं शिकार, सिर्फ 2-3 महीने पहले की बात है। यहाँ पे केमाड़ी के इलेक्शन के अंदर, कुरंगी के इलेक्शन के अंदर राजा आजर ने भी बड़ी मेहनत की थी। इंशाल्लाह ताला 2023 इलेक्शन का साल है। इलेक्शन का साल का मतलब समझते हैं ना आप क्या है? इलेक्शन के साल का मतलब इमरान खान का साल। ये चाहे कुछ भी कर लें, ये कितना भागने की कोशिश क्यों ना कर लें, 2023 जो है वो इलेक्शन का साल होगा। आज से चंद माह के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान होंगे। इंशाल्लाह ताला इस दफा
सिंध के सूबे में हुकूमत तरीके इंसाफ बनाएगी। इसलिए जरूरी है कि आज से नहीं अगले एक हफ्ते आपने मेहनत करनी है, खास तौर पे 15 तारीख को मेहनत करनी है। घरों से निकलना है, अपने घर वालों को निकालना है, मोहल्ले वालों को निकालना है, बल्ले के ऊपर मोहर लगानी है ताकि कराची का मेयर भी तहरीके इंसाफ का हो, ईमानदार हो, मेहनती हो। और जब शहर, सूबा और मुल्क तीनों उनके पास जिम्मेदारी होगी, जिनकी नीयत काम करने की, जो मुल्क तो कुछ देना चाहते हैं, मुल्क से कुछ लेना नहीं चाहते, तो इंशाअल्लाह ताला कराची की तरक्की का सफर शुरू होगा। वो तरक्की जो मेरा दिल का ये यकीन है कि इस शहर और इस मुल्क की तकदीर में लिखा हुआ है। यह अल्लाह ताला का दिया हुआ मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। मुझे पता है आजकल बहुत मायूसी फैली हुई है। आजकल मैं जिससे भी बात करता हूं, खास तौर पे मुझे दुख होता है, नौजवान मेरे पास आते हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मुल्क के ऊपर चोरों को मुसल्लत कर दिया गया है, किस तरीके से मुल्क को लूटा जा रहा है। बदतरीन मुल्क की तारीख की महंगाई नजर आ रही है, बेरोजगारी का तूफान खड़ा होना शुरू हो गया है, जरे मुबादला के जखायर गिरते चले जाते हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं। लेकिन नौजवानों, मैं आपको बताऊं, मेरा ये ईमान है कि ये मुल्क अल्लाह ताला की देन है। कोई वजह है कि ये मुल्क जो साल में किसी भी दिन बन सकता था, वो आपको पता है, नौजवानों को शायद इस बात का ना पता हो, ये मुल्क 27 रमजानुल मुबारक के दिन वजूद में आया था। ये अल्लाह ताला की ये देन है मुल्क। इसलिए चाहे ये इंपोर्टेड हुकूमत हो, इनके बैरूने मुल्क आका हो, इनके फैसिलिटेटर हो, जो कुछ भी कर लें, पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं कि इस मुल्क के फैसले होंगे तो वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। किसी बंद कमरे के फैसले पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं है। आप कबूल करेंगे ये फैसले? पाकिस्तान की ख्वातीन मुस्तरद करती है आपके इन फैसलों को। अगर फैसले होने इस मुल्क के मुस्तकबिल को है, तो ये कराची में बैठी हुई ख्वातीन करेंगी, सखर वाले करेंगे, लाड़काना वाले करेंगे, लाहौर वाले, चारसद्दा वाले, क्वेटा वाले करेंगे। ना लंदन में होंगे, ना अमेरिका में होंगे, ना पाकिस्तान के बंद कमरों में होंगे। सिर्फ और सिर्फ फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अच्छा, ये अभी तक अगर किसी के जहन में शक है, तो मैं चाहता हूं कि कराची की ख्वातीन उनको अपना वाज़े पैगाम पहुंचा दें। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपका जवाब मैं सुनना चाहता हूं। गुलामी, गुलामी। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि ख्वातीन तो बिल्कुल वाज़े हैं, उन्होंने तो गुलामी को नामंजूर कर दिया है। लेकिन ये कुछ बुजुर्ग मर्द बैठे हुए आगे, इनके जहन में मुझे अभी भी इबाम लग रहा है। ख्वातीन को कोई इबाम नहीं है, गुलामी मुस्तरद हो चुकी है। अच्छा, ये भी जो है ना, ये अली जैदी साहब आगे, जनाब सदर सिंध, कराची के फरजंद अली जैदी यहां पे आ गए हैं। अपनी ब्रांड के मुताबिक वक्त से लेट पहुंचे। अच्छा, ये जो है ना, ये इन जैसे मर्दों को ये गलत फहमी फैलाने का बड़ा शौक होता है। ओहो जी, मैं तो बीवी का गुलाम हूं, करते सारे खुद फैसले हो डालते बीवी के ऊपर, खुदा का खौफ करो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान बेहतर जब होगा जब पाकिस्तान के फैसलों के अंदर ख्वातीन बराबर की शरीक होगी। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आ चुका है।
इमरान खान अपने साथ पाकिस्तान की ख्वातीन को पीछे नहीं साथ लेकर चलेंगे, हरावल दस्ता बनाकर चलेंगे। और आखिर में मैं अहमद फराज के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये आपको डेडिकेट कर रहा हूं अल्फाज, ये आपके लिए कह रहा हूं, अल्फाज उनके हैं लेकिन ये सिर्फ उनके लिए हकीकत नहीं, आपके लिए भी हकीकत है। पिछले 9 माह में खास तौर पर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की ख्वातीन ने हिम्मत जुर्रत और शुजात के साथ मुकाबला किया है, लाठी चार्ज बर्दाश्त किए हैं, टियर गैस बर्दाश्त की है, पुलिस गर्दी बर्दाश्त की है, रियासत की सौबत बर्दाश्त की है, ये आप सबके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूं, अहमद फराज के अल्फाज हैं। तो दोस्त भाई इजाजत है, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे ये ख्वातीन कह रही हैं, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अच्छा जी, आखिर में मैं डेडिकेट करना चाहता हूं, यहां पर हमारे पास इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि ऐसी माएं भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ खुद अपनी मेहनत और जज्बे से मुल्क की बेहतरी के लिए कुर्बानी देकर काम करती हैं, लेकिन ऐसी माएं भी मौजूद हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए अपने बेटे शहीद करके भी राह हक से पीछे नहीं हटती और मुल्क के लिए मेहनत करती रहती हैं। मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं ताहा शेख की वालिदा इरम तारिक साहिबा को, और मैं चाहता हूं कि वो खड़ी होके हम सब इनको प्लीज खड़े होके इनको सलूट करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान